नाज़रीन, हम आपके लिए कोलार शारदा टॉकीज़ में जो शाहरुख खान की फ़िल्म जवान रिलीज़ की गई है, तो उसके कुछ तस्वीरात और जवान फिल्म के कुछ तफसीलात हम आपको हमारे इस चैनल की तरफ से आपको दिखा रहे हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जवान फिल्म का पूरा फिल्म बनाने का खर्च 200 करोड़ से भी ज़्यादा लगा, तो सारे दुनिया में आज कम से कम 10,000 से 12,000 स्क्रीनों पर जवान फिल्म दिखाई गई यानी कि रिलीज़ की गई। तो हिंदुस्तान में जवान फिल्म रिलीज़ की गई, इसमें शाहरुख खान डबल रोल अदा किया गया और वो भी बेहतरीन रोल अदा किया गया। तो फिल्म की स्टोरी के बारे में कहा जाए तो आज भारत में जो सिस्टम, समाज में जो किसान को लेकर किसानों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी एक इसमें स्टोरी बनाई गई है। जो किसानों के ऊपर जुल्म होते हैं और किसानों बेमौत मारे जाते हैं उसके ऊपर, और जो हॉस्पिटलों में जुल्म जो करते हैं उनके ऊपर, और जो सियासतदान झूठे वादे करके अवाम को धोखा देते हैं उस सिस्टम के ऊपर। और सबसे अच्छा है, इस फिल्म में एक मैसेज दिखाया गया है और मैसेज दिया गया है हिंदुस्तान के अवाम को, वो यह है कि हिंदुस्तान के अवाम को जो 500 में एक मरतबा जो हक़ मिलता है वो वोट हम किस को दें और किस तरह इस्तेमाल करें, वो भी एक मैसेज दिया गया है। तो आप देख रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान देखने के लिए हज़ारों की तादाद में शारदा टॉकीज़ के अंदर खितारों में लाइन में खड़े हुए और अंदर सीटों पर इंतज़ार करते हुए फिल्म शुरू होने का। तो आप देख रहे हैं जवान फिल्म के शारदा टॉकीज़ के अंदर इस फिल्म का इस्तकबाल थालियों और गूंज से करते हुए, और इसमें संजय दत्त भी थोड़ा रोल अदा किया गया है। तो कहा जा रहा है कि जवान फिल्म हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो 1500 करोड़ के ऊपर भी कमाई करने में कामयाब हो जाएगी। तो हिंदुस्तान में आज उसका पहले दिन का कलेक्शन 7 करोड़ का बताया जा रहा है और सारी दुनिया में 150 करोड़ से भी ज़्यादा पहले दिन का कलेक्शन जवान फिल्म का बताया जा रहा है। तो इसमें जो शाहरुख खान डबल रोल अदा किया गया है, इसमें बाप का रोल जब जब भी आता है बेहतरीन किरदार, एक्शन और भरपूर शौकीन से देखने का, फुल फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और बेहतरीन एक्शन, पठान से भी 10 हाथ सामने, अवाम को खुश कर रही है जवान फिल्म। तो आप देख रहे हैं कोलार शारदा टॉकीज़ में खितारों में खड़े हुए और वहाँ पर जो टू व्हीलर्स आए हुए थे उनको ठहरने के लिए जगह नहीं है, तो रोड पर खड़ा किए, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं कि फिल्म का ख़त्म होने के बाद वहाँ पर भीड़ निकलते हुए और उससे पहले वहाँ पर टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हुए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्त अहबाब मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जवान फिल्म बेहतरीन फिल्म है, तो गदर, केजफ, पठान इन सब को भी पीछे ढकलते हुए जवान फिल्म इस माहौल को जवानों के लिए ज़रूरी मैसेज इस फिल्म में दिखाया गया है। तो इसमें एक शाहरुख खान इंस्पेक्टर का रोल, जेलर का रोल भी अदा किया गया है और एक शाहरुख खान मिलिट्री वाले का भी रोल अदा किया गया है। बाप का किरदार मिलिट्री वाले का है और बेटे का किरदार जेलर इंस्पेक्टर का रोल अदा किया गया है। तो फिल्म बेहतरीन फिल्म है, देखने के लायक है। अवाम खुशी खुशी फिल्म देखकर टॉकीज़ से निकलते हुए आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल की तरफ से।